गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। अवर टुडेज टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बेटा, कल कुछ जिसे किसने लिखा है, इनामुल रहमान ने। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है, मैंने कल ही आपको बताया, इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, तो कुछ हमने कल इसके बारे में इंट्रोडक्शन, इसकी जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपसे दी थी, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो When we talk of global warming, what is global warming? Global warming means average increase in the temperature of Earth's atmosphere and oceans and its effects. यानी जो जमीन या पानी के जखायर में जो temperature में raise हो रहा है और उसके क्या असर हैं, उस temperature के increase से क्या हो रहा है। सो आज कल आपको मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दी थी, आज हम देखेंगे एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर काजेस, यानी कि जिस वक्त टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लोबल टेम्परेचर जिस वक्त बढ़ जाता है, तो उस वक्त क्या क्या हो सकता है या आजकल भी हो रहा है। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर सी लेवल राइज, सी लेवल राइज। ठीक है बेटा, यानी समुद्र का टेम्परेचर जो है बढ़ गया है, उसके साथ सी समुद्री सतह जो है वो भी बढ़ गई है, सी लेवल जो है वो भी रेज हो गई है। एंड विल चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन। दूसरा क्या है, चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है बेटा, यानी जो हमारा प्रेसिपिटेशन था, जिसके साथ बारिश या मौसम बारिश हुआ करती थी, कितने लेवल की हुआ करती थी, कितनी हुआ करती थी, कम या तेज, अब वो उसका कोई भी दारमदार नहीं रहा। अब या तो इतनी ज्यादा होती है कि इट लीड्स टू फ्लड, या तो इतनी कम होती है जिस वजह से क्या होता है कि ये ड्राउट होता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है बेटा, चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, या एक्सपेंशन, और क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। क्या है सब ट्रॉपिकल, क्योंकि या तो मैं आपको बोल रही हूं ना, प्रेसिपिटेशन का मतलब है जिस वक्त समुंदर में से पानी है, आबे बुखारा वेपर्स की शक्ल इख्तियार करता है, फिर वो अलग, वो जो अगर हम प्रेसिपिटेशन पूरे को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज वो एक अलग मेथड है, लेकिन मैं आप इनको जनरल में आपको बता रही हूँ कि जिस वजह से हमारे बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं, तो वो बारिशों के जो वो लेवल है उसमें कमी हो गई है, या बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं। अब जब कम होती है तो इट लीड्स टू सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हमारे यहाँ रेगिस्तान बन चुके हैं, क्यों, फर्टाइल लैंड जो, अब दो चीज़ें हैं ना, अगर ज़्यादा बारिश गिरती है तो वो फ्लड को लीड करती है, और फ्लड से क्या होता है, जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो फ्लो होके वो बह जाती है, और वहाँ जो है वो जरखेज़ ज़मीन जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो पीछे दूसरी मिट्टी रह जाती है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, वो दलदली मिट्टी जैसी रह जाती है, या तो बारिश बिल्कुल नहीं होती है, जिस वजह से क्या होता है, हमारी फसलें ख़त्म हो जाती हैं, तैयार होके फसलें हमारी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जब बारिश ही नहीं, टाइमली बारिश नहीं पड़ी, चाहे वो फील्ड्स की फसल हो, जैसे वीट हो, राइस हो, या हमारे जो ऑर्चिड्स में फ्रूट्स हैं, वो भी टाइमली अच्छे से वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं, और ये सारी वजह जो है, इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। और क्या हो रहा है आजकल इस ग्लोबल वार्मिंग में, कंटिन्यूइंग रिसीट इन द ग्लेशियर्स, कंटिन्यूइंग रिसीट ऑफ ग्लेशियर्स, यानी हमारे जो
हमारे जो कंटिन्यूइंग रिसीट ऑफ ग्लेशियर्स, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स किसको बोलते हैं, बर्फीले पहाड़, हमारे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो रिसीट हो रहे हैं. रिसीट का मतलब है वो पिघल रहे हैं, ठीक है, वो पिघल रहे हैं. अब देखो बेटा, इस ग्लेशियर्स के रिसीट होने से क्या होगा, दो चीजें हो रही हैं. क्या हो रहा है, एक तो वो ग्लेशियर पिघल के जमीन है वो खत्म हो रहे हैं, पानी बन रहे हैं. एक तो उससे क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर ज्यादा हो गया है, फ्लो ऑफ वाटर नदियों में ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो उससे वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं. और दूसरी बात यह है, ग्लेशियर्स के पिघलने से चूंकि ये हमारा रिसोर्स ऑफ वाटर है, तो वो हमें पानी की कमी हो जा रही है. आजकल देखो आप, पानी की कितनी स्कास्टी है, पानी अवेलेबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर जो है ये बहुत तेजी से रिसीट हो रहे हैं. ये असर है कुछ ग्लोबल वार्मिंग के, जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूँ. स्पीशीज एक्सटिंक्ट ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर एंड चेंज इन एग्रीकल्चर. देखो बेटा और क्या हो रहा है, स्पीशीज, नस्लें, स्पीशीज किन की नस्लें, जानवर की, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन क्या हो रहा है, स्पीशीज की क्या हो रहा है, स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है ना बेटा, स्पीशीज खत्म हो रही हैं. और हमारा जो एग्रीकल्चरल यील्ड है, एग्रीकल्चर यील्ड है, एग्रीकल्चरल यील्ड है, एग्रीकल्चर यील्ड है, एग्रीकल्चर यील्ड जो है वो भी चेंज हो रहा है. एग्रीकल्चरल यील्ड, देखो बेटा एग्रीकल्चरल यील्ड, वाई एग्रीकल्चर यील्ड जो, उसमें भी हमारी चेंज हो रही है. तो क्या हो रहा है एग्रीकल्चर इसके ग्लोबल टेम्परेचर से, ड्यू टू एन इंक्रीज इन, मैंने ये कुछ पॉइंट्स चुन के रखे हैं. आप देखो, ड्यू टू एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, जिस वक्त दर्ज हरारत बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है या इंक्रीज होने से, टेम्परेचर के रेज होने से, सबसे पहली बात जो है वो सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है. ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरी चीज है वो चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन. आप देखो, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, मैंने पहले भी अभी भी आपको समझाया, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके तहत वाटर चेंज इंटू वाटर वेपर्स, एंड वाटर वेपर्स चेंज हो जाते हैं क्लाउड्स में, एंड देन क्लाउड्स जो चेंज होते हैं वो रेन में होते हैं. मतलब ये प्रोसेस है, जैसे ये पानी है, पानी के ऊपर से गैस निकलती है, गैस जाके वेपर्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, वेपर्स बन जाते हैं, और वेपर जो है वो आसमान में चले जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, और जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन. यानी कि ये एक प्रोसेस है, इसके साथ आपको फिलहाल समझने की, ये दिस इज रिलेटेड टू साइंस, मगर आप देखो कि ये प्रेसिपिटेशन का पैटर्न जो है वो खत्म हो गया, चेंज हो गया प्रेसिपिटेशन पैटर्न में. एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, जिस वक्त प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू सब ट्रॉपिकल डेजर्ट. देन कंटिन्यूइंग रिसीट ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स में तेजी से पिघल रहे हैं हमारे ग्लेशियर्स, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हो रहा है, यानी जो जानवरों की कई नस्लें हैं वो नेस्त तो नाबूद होती जा रही हैं. हमारा जो एग्रीकल्चर यील्ड है, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ईयरली जो प्रोडक्शन है उसमें भी ड्रास्टिक चेंज आई है, क्योंकि अनटाइमली एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. ओके बेटा, आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे. ओके, थैंक यू.